नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का आठवां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। तो देखिए बच्चों, यह बेलन की जो ऊंचाई है यह है 2.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 1.4, यानी यहां से लेकर और यहां तक यह है पूरा व्यास है 1.4, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 का आधा यानी 0.7, ठीक है बच्चों। इसमें से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकु काट दिया गया है। ये शंकु है बच्चों, ये जो अब मैं बना रहा हूं, ये इसी बेलन के बीच में से इतने शंकु आकार की कोई भी चीज जो है वो काट दी गई है, ठीक है। एक ठोस काट दिया गया है, ठीक है, खोल इसको कहा जा सकता है, इतना काट दिया गया। तो बाकी भी तो बेलन कुछ बचा ना, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बेलन की जो ऊंचाई है वह है 2.4, बेलन की ऊंचाई और शंकु की भी यही ऊंचाई है 2.4। सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर हैं, लेकिन यह कितनी है बच्चों? देखो, व्यास दिया था 1.4, तो 1.4 का आधा कर दो 0.7 सेंटीमीटर। यह हो गई बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या। अब बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई, जो कि होती है L। शंकु की त्रियक ऊंचाई L, यह इसका फार्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो बच्चों, L किसके बराबर होगा? देखो, रूट रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इसका फार्मूला होता है। तो देखिए, यह किसके बराबर हो जाएगा? रूट एच। एच कितना है बेटा? इसकी हाइट, हाइट कितनी आई थी? 2.4, यानी कि 2.4 का होल स्क्वेयर प्लस आर। आर कितना है? 0.7, ये मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, होल स्क्वेयर बराबर। L कितना आ गया बच्चों? यहां से देखिए, देखिए 2.4 का उल्टा सॉरी वर्ग होता है 5.76 प्लस 0.7 का जो वर्ग होगा वह होगा 0.49, और यह आ जाएगा रूट 6.25। अब यदि आपको याद हो, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 6.25 कितना होगा? यह होगा 2.5 का स्क्वायर। यहां से हमारे पास इसकी तिर्यक रेखा आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों, हम अपना प्रश्न का बाकी हिस्सा करेंगे। हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों वह किसके बराबर होगा? बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πRH यानी कि इस बेलन का बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें हम क्या प्लस करेंगे बच्चों? यह जो इसका बॉटम है बेलन का, यह वाला नीचे वाला बेलन का, यह जो नीचे वाला सतह है जो कि एक वृत्त है पाई आर स्क्वायर, और इसमें साथ की साथ ही हम प्लस कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए,
इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें देखिए 2 पाई आर एच, यहां है पाई आर स्क्वायर, यहां है पाई आर एल, तो यानी पाई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है कॉमन, आर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, आर भी कॉमन। तो देखिए यहां से बच गया पाई आर कॉमन, बाकी रह गया 2 इंटू एच, पाई और आर बाहर चला गया, बाकी रह गया आर, पाई आर बाहर चला गया, बाकी रह गया एल। इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए पाई की वैल्यू है 22/7 गुना आर, आर कितना है 0.7 गुना 2 गुना एच, एच कितना है 2.4 प्लस आर, आर है 0.7 प्लस एल, एल बच्चों हमने अभी निकाला था 2.5। यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका उत्तर। अब बच्चों ध्यान से देखें, यहां जो जो चीज कट सकती होगी हम उसको काट देंगे। दशमलव हटा के नीचे बन गया 10, तो 7 से 7 कट गया, तो यह आ गया 22/10 गुना 2.4 को जब 2 से गुना करेंगे तो वह आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे बच्चों जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 22 को 10 से भाग कर दो तो यह आ गया 2.2 गुना, इन तीनों को जब हम आपस में प्लस कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 8.0 के बराबर। यह हमारे पास आ जाएगा 8.0 के बराबर। देखो कैसे 8, 7, 15 और 5, 20 जीरो हासिल आया, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 8.0 यानी कि 8, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.2 को जब 8 से गुना करेंगे तो वह आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न में था देखिए निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसको साथ के साथ ही राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस शेष ठोस का जो क्षेत्रफल आया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, वह आया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट से आपको यह प्रश्न ना समझ आए तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार दोबारा देखिए, दो बार दोबारा देखिए, तीन बार दोबारा देखिए, आपको अवश्य समझ आएगा कि हमने कौन सा स्टेप क्यों किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।